गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ना ये कम्युनिटी, आपका रिलीजन जो है, ये कास्ट कम्युनिटी और रिलीजन वाला जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे आपकी कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। कि जो आपकी जाति है, जातिवाद है, आपको पता है भारत जो है उसमें विभिन्न तरह की जातियाँ जो हैं वो रहती हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में जो है हमारा सोशल डिवीजन की बहुत तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है। कई तौर पर ये पॉजिटिव भी है, फायदेमंद भी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये नुकसानदायक भी है, ठीक है। तो हमने जो है कास्ट और पॉलिटिक्स के बारे में, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दोनों देखने, इफेक्ट क्या होता है। तो ये जो आपकी जातिगत असमानताएं हैं, इनक्वालिटीज़ हैं, कास्ट बेस्ड है ना, जैसे आपका सेक्स और रिलीजन पे आधारित आपके डिवीज़न तो आपने देखा है, और वो भी मैक्सिमम कंट्रीज़ में है या पूरी दुनिया में लग, लेकिन ये जो कास्ट है इस पे बेस्ड जो आपको डिवीज़न दिखाई देता है वो सिर्फ कहाँ दिखाई देता है आपको? इंडिया में दिखाई देता है, भारतीय समाज में देखने को मिलता है। आपने देखा है कि सभी समाजों में कुछ सोशल इनक्वालिटीज़ जो हैं वो एक ना एक तरह से जैसे लेबर को डिवीज़न करती है ना, वो मौजूद है, देखा है आपने। और जो मैक्सिमम हम की सोसाइटी है वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो परिवार जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वही काम जो है वो लोग करते रहते हैं, लेकिन ये जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत एक स्थायी रूप है, यानी कि ठीक है ना, मतलब ये कभी ख़त्म ना होने वाला एक ऐसा सिस्टम है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जो आपके बाकी समाज है उसमें जो इनक्वालिटीज़ हैं उसे एक ये खास जो है मतलब एक डिफरेंट है सब में, ठीक है। जैसे अब आप कोई भी काम करते हैं, आपकी एंसेस्टर जो करते हैं आप भी वही काम करते हैं, आप जो कस्टम है वही करते रहते हैं, ठीक है। और एक कास्ट के लोग जो हैं या एक दूसरे से मिलते जुलते जो बिजनेस करते हैं उसी के होते हैं, साथ ही जो है सोशल कम्युनिटी के रूप में उनको देखा जा सकता है, अलग सोशल कम्युनिटी के रूप में। और आपस में जो है शादी होगी, खान पान हो गया, उनका एक दूसरे से रिलेशन रहता है। बाकी अन्य जाति समूह में उनके बच्चे ना तो शादी करते हैं ना ही उनकी शादी हो सकती है, और जो पारिवारिक और कम्युनिटी जो भी वो ओकेजन या कोई भी फंक्शन होते हैं उनमें जो है दूसरी जाति के लोग जो है वो दूसरी रो में बैठ के जो है वो खाना खाते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि कितना लोगों में एक दूसरे के प्रति जो है जाति को एक दूसरे को छोटा या बड़ा मानते हैं, जैसे छुआछूत करते हैं, छोटी जाति के लोगों को उनसे कोई गैप रखते हैं, उनके साथ साथ नहीं रहते। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो आपकी ज्योतिबा फुले थी, महात्मा गांधी है, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, या पेरियार रामास्वामी है, नायकर, ये सारे जो थे समाज सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने जो आपका जातिगत सिस्टम था इससे समाज को जो है बहुत मुक्त कराने में अपना बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूट कराया है, ठीक है ना। कि हमारा जो इंडिया था है उसमें बहुत सारे जो है लोग जो हैं अपने आप को उच्च और दूसरे को किसी को छोटी जाति का समझते हैं। ये जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे इन्होंने जो है आधुनिक हमारे भारत में जाति की जो कंस्ट्रक्शन था, स्ट्रक्चर था सॉरी, और हमारा जो कास्ट सिस्टम था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका अर्बनाइजेशन, आपकी लिटरेसी, आपकी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, आपको किसी भी काम को चुनने की आज़ादी है, गांव में आपकी जमींदारी जो सिस्टम था उसको ख़त्म करने के लिए कास्ट सिस्टम के जो पुराने दकियानुसी लोगों के मन में विचार थे, आपकी वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, उस पे जो है आपकी जो है मानसिकता जो है उसमें, यानी कि आपका माइंड जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। आपकी अर्बन एरियाज में अब जो है ज़्यादातर इस बात के लिए कोई भी हिसाब नहीं रखता है कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा हुआ है, रेस्टोरेंट में आपके साथ मेज पे बैठ के खाना कौन खा रहा है, ये कौन सी जाति का लोग है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें किसी भी तरह की जाति के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है या भेदभाव नहीं हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कास्ट सिस्टम में पैदा हुए बहुत सारे इनजस्टिस हैं उनको ख़त्म करने की है ख़त्म करने वाली जो पॉलिसीज थे उनको जो है बेस जो है उसका तय किया है। अगर 100 साल पहले कोई भी व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो यहाँ जो चेंजेस आए हुए हैं उसको देख के वो क्या हो जाएगा, हैरान हो जाएगा। हमारा जो भारत है, भारत से जाति प्रथा जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है,
जो कास्ट सिस्टम है, कुछ पुराने जो हैं बेस जो अभी भी लोगों के मनों में अभी भी हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग जो हैं अपनी जाति या कबीले से ही शादी करते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके बावजूद भी जो छुआछूत है, ठीक है, उसकी प्रथा जो है वो अभी भी पूरी तरह जो है वो समाप्त नहीं हुई हुई है, ठीक है। कास्ट सिस्टम के अंतर्गत आपने देखा है सदियों से कुछ जो लोग हैं उनको लाभ मिलता है और कुछों को जो है दबा के रखा जाता है। वही छोटे बड़े वाला या कास्ट सिस्टम वाला सिस्टम जो है अभी भी मतलब है, ठीक है ना। और इसका जो है इफेक्ट जो है सदियों बाद जो है आज तक नजर आता है। जिन जातियों से पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर अपने मतलब जो पढ़ने में बच्चे अच्छे थे, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जो उसमें जो है उन्हीं का बोलबाला है, ठीक है। और जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था या उनके सदस्य जो हैं अभी भी पिछड़े हुए हैं, यही कारण है कि अर्बन एरियाज में जो है अभी भी जाति के लोगों का जो रेशो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आर्थिक अगर इसे देखा जाए तो हमारी जो है काफ़ी जो है आर्थिक इससे जो है हम इससे काफ़ी निकट हैं। और अब जो है अब हम पढ़ेंगे कास्ट पॉलिटिक्स, ठीक है ना। जैसे राजनीति में पॉलिटिक्स, जातियों में यानी कि राजनीति में जाति, ठीक है। और ये जो आपका कम्युनलिज्म है, जो कम्युनलिज्म है उसकी तरह भी आपका जो जातिवाद है वो भी इसी इस बेस पे है कि हमारी जाति ही हमारी सोशल कम्युनिटी के गठन का एक बेस है, ठीक है। एक जाति के लोग जो एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, उनके हित एक जैसे होते हैं, दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता है। जैसे हमारे कम्युनलिज्म के मामले में देखा है आपने कि ये मान्यता हमारे जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे ठीक नहीं है। हमारे जो एक्सपीरियंस है बताते हैं कि जाति जो है हमारे जीवन का एक बहुत पहलू है, ठीक है ना, एक पहलू है, लेकिन ये एकमात्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो नहीं है, ठीक है। राजनीति में जाति जो है वो अनेक रूप जो है वो ले सकती है। जैसे जब पार्टियाँ हैं इलेक्शन करती हैं उसमें उम्मीदवार के जो नाम होते हैं वो तय करती हैं, तो आपने देखा है कि जो चुनाव क्षेत्र होते हैं उसमें जो वोटर्स होते हैं उनकी जातियों का हिसाब जो है ध्यान में रखती है ताकि उसे चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाएं। अब सरकार जो है जब सरकार का गठन किया जाता है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इस बात का ध्यान रखती हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जो है स्थान जो है वो दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड कि राजनीतिक जो पार्टी हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने उम्मीदवारों का समर्थन करती हैं। जैसे अपने कास्ट के लोगों को लोग उकसाते हैं, कुछ दलों में कुछ जातियों के मददगार और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी आपने देखा है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसमें एक व्यक्ति एक वोट का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल जो पार्टीज है उसको प्रेशराइज किया जाता है कि राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को इकट्ठे रखने के लिए ये चीज़ें एक्टिवेट है। इसमें उन जातियों के लोगों में नई जो है चेतना जो है वो पैदा होती है जिसमें अभी तक एक छोटा और नीच जिसे माना जाता था, ठीक है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसमें हर व्यक्ति को इक्वलाइजेशन का एक राइट मिला हुआ है कि उसके साथ किसी के साथ जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है लोगों के मनों में ये आया है कि नहीं हम जो है इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देश के किसी भी एक जो ये चुनाव होते हैं उसमें एक ही जाति के लोगों को का बहुमत जो है वो नहीं है, ठीक है। इसलिए हर पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए एक जाति और एक कम्युनिटी से ज़्यादा लोगों का जो है उनको भरोसा जो है वो जीतना पड़ता है, ठीक है। इसलिए सारी जो है कास्ट वो सारी कोई इंपॉर्टेंस जो है वो इक्वल होगी है, हर व्यक्ति की इंपॉर्टेंस जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट है इसमें कोई भी पार्टी किसी एक जाति की कम्युनिटी के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग जो है किसी भी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो है एक ही जाति के लोग जो है वो इस पार्टी में वोट दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अगर किसी भी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का वो प्रभुत्व माना जा रहा है यानी कि उनकी ज्यादा चलती है तो अनेक पार्टियां को जो पार्टीज अनेक पार्टी उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे ही कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं
ठीक है। तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनके एक जाति का भी उम्मीदवार, कई बार ऐसा होता है कि एक ही जाति के लोग के बहुत ज़्यादा आपके खड़े होने के लिए उम्मीदवार हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनकी जाति में एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं होता है जो कि खड़ा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि हमारे देश में ये जो सांसद है या और विधायक हैं उनको अक्सर जो है हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और कम्युनिटी की राजनीतिक पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव नहीं होता है, यानी कि हमें कम्युनिटी यानी कि जो हमारी कास्ट सिस्टम है या हमारी कम्युनिटी है उनको जो है जो भी उम्मीदवार है उनको जो है उन सब का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। किसी एक जाति को प्रेफर नहीं करना पड़ता है या किसी भी कम्युनिटी के लोगों को प्रेफरेंस नहीं देनी पड़ती है। तो इससे ये साफ होता है कि जो आपकी ये आप जो चुनाव होते हैं उसमें कास्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और ये असरदार भी है क्योंकि जो आपके वोटर्स होते हैं अपनी जातियों से कितना जुड़ाव रखते हैं, ठीक है। अक्सर जो है उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो गहरा संबंध होता है और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनमें ये रहते हैं, ठीक है। एक ही जातीय कम्युनिटी के भीतर जो है उसमें अमीर लोग भी पाए जाते हैं, गरीब लोग भी पाए जाते हैं, तो अलग अलग होते हैं सारे, और एक ही कम्युनिटी में अमीर और गरीब अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और जो लीडर्स होते हैं उनकी पब्लिसिटी जो है उनका चुनाव जो है वो अक्सर जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्णायक जो है वो असर होता है, ठीक है ना। यानी कि लोगों की इम्पोर्टेंस जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो किसी कास्ट के हों चाहे वो कम्युनिटी की हो, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी की हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जाति के अंदर पॉलिटिक्स है कि है, जाति के अंदर पॉलिटिक्स है या नहीं है। अभी तक जो है हमने इस चीज़ पर गौर किया कि पॉलिटिक्स में जो कास्ट की भूमिका जो है वो क्या होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाति और जो पॉलिटिक्स है उनके बीच सिर्फ एक तरफ का रिलेशन है। जाति जो पॉलिटिक्स है उसमें जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जो है कास्ट सिस्टम और क्या होता है अपनी पहचान जो है उसमें लोगों को दिखाई जाती है। जैसे सिर्फ राजनीति ही आपकी कास्ट से वो नहीं होती है इफेक्ट, जो जाति है वो भी राजनीति से इफेक्ट होती है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे आप क्या क्या होता है, ठीक है। तो हर जाति खुद को क्या बोलती है, बड़ा बोलती है। तो हमें अपने समूह को जिन जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी अब उनमें अपने साथ लाने की कोशिश भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती है, ये भी आपने हमें पीछे पड़ा। तो इसलिए वे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर्स जो है पाने के लिए जो है दूसरी जातियों या कम्युनिटी के लोगों को साथ लेने की कोशिश करती है। इस तरह इनके बीच में जो है मेल भी होता है और दूसरा जो है एक लड़ाइयाँ भी है जो वो कम होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स में नए किस्म की जो कास्ट सिस्टम है वो भी है, जैसे जो लोग पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे अंगड़ा है जो लोग, ठीक है। इस प्रकार जो है हमारी कास्ट जो है पॉलिटिक्स में कई तरह की रोल जो है वो प्ले करती है। एक तरह से यही चीज़ें दुनिया भर में पॉलिटिक्स में चलती हैं। आप पॉलिटिक्स पार्टीज जो हैं वोट पाने के लिए आपकी सोशल ग्रुप्स आपकी कम्युनिटी को इकट्ठा करने का प्रयास करती है, और कई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें राजनीति में आपकी कास्टिज्म जो है इनइक्वालिटीज आती है, और जो आपके कमज़ोर कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने या पावर्स को अपनी शेयरिंग का शेयर मांगने के लिए गुंजाइश भी पैदा करती है। तो इससे देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल जो कास्ट सिस्टम है या जाति हैं वो पॉलिटिक्स में पिछड़ी और जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनमें जो है जातियों के लोगों को एक सत्ता तक पहुंचने के लिए ये जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित करने की स्थिति जो है वो भी पैदा होती है, ठीक है। जैसे पार्टीज़ हैं, नॉन पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, और जातियों के खिलाफ जो है जो ये डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने के लिए उनके साथ जो है इक्वल जो है व्यवहार करने के लिए, उनके लिए जो जमीन जायदाद है उनके अवसर पर उपलब्ध कराने के लिए उनको बहुत सारे मूवमेंट जो है वो चले करते रहते हैं ये लोग। पर इसके साथ ये भी सच है कि सिर्फ जाति पर ही जोर देना जो है वो एक बेनिफिशियल नहीं है, नुकसानदायक है। जैसे कि धर्म के बारे में आपने पढ़ा कि सिर्फ जो है पॉलिटिकल पहचान सॉरी आपकी कास्ट जो है पहचान पर जो बेस्ड पॉलिटिक्स होती है डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी नहीं होती है। इससे जो मोस्टली गरीबी, डेवलपमेंट, करप्शन और बहुत सारे जो हैं
ये बातें जो है लोगों का ध्यान जो है वो ये भी भटकाती है। तो कई बार जो है जाति जो है कास्टिज्म जो है तनाव पैदा करती है, टकराव पैदा करती है और वायलेंस को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इसके साथ है हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। थैंक यू क्लास।